राजधानी दिल्ली के बुरहाड़ी इलाके में सबसे छोटा मकान आज हम आपको दिखा रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं काफी सुंदर मकान है और ये मकान करीब 2 से 3 मंजिल बना हुआ है और सुंदर तरीके से बनाया गया है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये जो मकान है मात्र 6 गज में बनाया गया है, लेकिन जिसने भी ये बनाया था काफी अच्छे तरीके से और काफी दिमाग लगा के इस मकान को बनाया गया है। इस मकान के मकान मालिक यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह ये मकान बनाया गया था, जब आपने खरीदा था तो आपको लगा नहीं कि सबसे छोटा मकान और इसमें फैमिली कैसे रहेगी? खूब बढ़िया रह जाएगी भैया, एक फैमिली तो जी खूब बढ़िया रहेगी, हम भी रह सकते हैं, मकान मालिक ऐसी कोई बात ना। तो जब आपने लिया था तो लोग इसको देखने भी आ रहे होंगे, छोटा सा मकान है, इतना ऊंचा, अच्छा बना हुआ है। कभी जो आती हैं तो देखती हैं, जा अब संतनगर अंदर तो कोई भी ना देखना, सब ने देख रखा है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि हमें दिल्ली में रहने के लिए 25 गज का या 50 गज का मकान चाहिए, उन लोगों के लिए ये मकान क्या देखने के बाद क्या उनकी सोच बदलती है? बदलनी चाहिए बदलनी चाहिए जी, मतलब रहने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह काफी अच्छी है, खूब काफी अच्छी है भैया, किराए तो बढ़िया है। अच्छा, आप इस मकान में किराए पर रह रहे हैं तो इस मकान में कितने कमरे हैं और कभी रहने में दिक्कत हुई हो फैमिली को? इसमें दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक कमरे है, एक एक किचन है, हाँ, नीचे लैट्रिन बाथरूम है, ऊपर लैट्रिन है। एल कॉर्नर का मकान है, सबसे छोटा मकान है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि एक साइड में है, कभी गिरने का डर हुआ हो? नहीं, कभी नहीं, मतलब मजबूत तरीके से। हाँ, मजबूत तरीके से बना हुआ है। कितने लोग इसमें रहते हैं? 4 लोग रह रहे हैं। तो कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 5-6 महीने से रह रहे हैं। तो 5-6 महीने से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। एक बार और दिखाना चाहूंगा मैं ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं जिसका वेंटिलेशन यहाँ पर बनाया हुआ है, मतलब छोटा सा मकान है, हेल कॉर्नर का है। और जो ये जो दोनों तरफ छज्जे निकालने के बाद में जो ग्रिल बनाई हुई है, जो खिड़कियां लगाई हुई है, बल्कि इसमें गर्मी का भी आभास लोगों को नहीं होता है और काफी अच्छे तरीके से इसमें परिवार रह रहा है। करीब उस मकान के अंदर आ चुके हैं जो 6 गज में बना हुआ है। जरा आप देख सकते हैं इसमें एक कमरा भी यहाँ बना हुआ है, जिस कमरे में यहाँ बेड भी रखा हुआ है और टीवी भी रखा हुआ है, काफी जो सामान इस्तेमाल करने का है सभी सामान यहाँ रखा हुआ है। इधर भी देख सकते हैं आप, इधर एक वेंटिलेशन है हवा के लिए, जो यहाँ से हवा आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। छोटा सा है लेकिन काफी सुंदर बना हुआ है। जिनके ऊपर लेके चलते हैं वहाँ किस प्रकार ये परिवार रह रहा है और क्या क्या यहाँ इन परिवार ने जो सुविधाएं जो अवेलेबल है इस मकान में, जिस मकान बनाया था। इधर आप देख सकते हैं ये जो एक किचन है, ये 3rd फ्लोर पे किचन किचन बनाई हुई है, जो किचन है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नीचे एक बेडरूम बनाया हुआ है, मतलब कि एक फैमिली इसके अंदर बड़े ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकती है और ये पूरा परिवार बड़ी ही खुश और खुशहाल तरीके से इस मकान के अंदर जीवन व्यतीत कर रहा है। ये 6 साल पुराना मकान है और इस मकान को बुरहाड़ी इलाके के जड़ौदा वार्ड में बनाया गया था। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि हमें दिल्ली में रहने के लिए 50 गज 100 गज या 25 गज का मकान चाहिए, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये मकान प्रेरणादायक बनता जा रहा है। मैं नसीब अहमद, DNA News, दिल्ली।